गुड मॉर्निंग हरे कृष्णा। कल हमने पार्ट 13 जंगल में होली पढ़ा था। आज हम उसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। सब बुक में ध्यान दो, इन शब्दार्थों को आपको अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है, साथ ही याद भी करना है। जंगल, जंगल मतलब वन। ढोल, ढोल मतलब ढोलक का बड़ा रूप। फुहारे, फुहारे मतलब नन्ही नन्ही बूंदों की झड़ी। जानवर, जानवर मतलब पशु। बर्बादी, बर्बादी मतलब बेकार जाने देना। पेड़, पेड़ मतलब वृक्ष। अब हम बुक एक्सरसाइज करेंगे। बुक एक्सरसाइज सिर्फ बुक में ही करना है। दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। सब बच्चे होली खेल रहे थे, सही कि गलत? सही। हाथी बच्चों की बातें सुनता है, सही है कि गलत? गलत। बातें कौन सुन रहा था बच्चों की? बंदर। शेर पिचकारी लेकर आया, सही कि गलत? गलत। सब जानवरों ने मिलजुल कर होली मनाई, सही कि गलत? सही। किसने कहा लिखिए। क, तो देर किस बात की, चलो मनाए हम सब होली। किसने कहा था? भालू ने। मैं अलग अलग रंगों के गुलाल ले आता हूँ, ये किसने कहा? खरगोश ने। पिचकारी का काम तो मेरी सूंड ही कर देगी, ये किसने कहा? हाथी ने। दिए गए शब्दों में अनुस्वार या अनुनासिक लगाकर लिखिए। ज, ग, ल, इसमें क्या लगाएंगे? अनुस्वार। अनुस्वार मतलब अम की बिंदी। क्या बनेगा? जंगल। रग, बी, रगे, इसमें अनुस्वार लगाएंगे। रंग बिरंगे। सूंड, इसमें अनुनासिक लगेगा तो सूंड। मुंह, मुंह में मुंह, अनुनासिक लगाकर मुंह बनेगा, है ना। ये बुक एक्सरसाइज आपको सिर्फ बुक में ही करना है। अब इसका बचा हुआ भाग हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।